नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर, रविवार को बंद हो जाएंगे श्री आदि हिमानी चामुंडा मंदिर के कपाट। करीब 10,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित श्री आदि हिमानी चामुंडा मंदिर के कपाट रविवार को बंद कर दिए जाएंगे। आज मंदिर न्यास की ओर से एक टीम श्री आदि हिमानी चामुंडा मंदिर के लिए भेजी जाएगी। इस टीम में एक न्यासी, गृह रक्षक तथा स्टाफ के कुछ सदस्य शामिल होंगे। मंदिर में पहले से ही पुजारी तथा कुछ अन्य सदस्य वर्तमान में है। ऐसे में शनिवार को अतिरिक्त टीम वहां पहुंचेगी तथा रविवार को विधिवत पूजा अर्चना के पश्चात मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। मंदिर के कपाट 15 मार्च तक बंद रहेंगे। आमतौर पर मंदिर के कपाट 15 नवंबर को बंद कर दिए जाते हैं, परंतु इस बार मौसम के अनुकूल रहने तथा ऊपरी क्षेत्र में हिमपात न होने के कारण मंदिर के कपाट को खुला रखा गया था। हिमाचल में 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों का 5 लाख तक का होगा मुफ्त इलाज। हिमाचल प्रदेश में 70 साल या इससे ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों का अब 5 लाख तक का इलाज मुफ्त होगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बुजुर्गों का ये सुविधा मिलेगी। बुजुर्गों को योजना में शामिल करने के लिए सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। अब जल्द ही योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के कार्ड बनाए जाएंगे। कार्ड पर लाभार्थी देश भर के किसी भी चिन्हित सरकारी या निजी अस्पताल में मुफ्त इलाज करवा सकेंगे। योजना से हजारों वरिष्ठ नागरिकों को फायदा होगा। सरकार ने हाल ही में मंत्रिमंडल बैठक में वरिष्ठ नागरिकों को योजना में शामिल करने का फैसला लिया था। ईपीएफओ रिश्वत मामला, 23.5 लाख रुपए किसके, जांच में जुटी सीबीआई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के बद्दी कराले के क्षेत्रीय आयुक्त रवि अनंत से चंडीगढ़ स्थित आवासीय परिसर से बरामद 23.5 लाख रुपए कहां से आए और किसके हैं, सीबीआई इसका पता लगाने में जुट गई है। सीबीआई को आशंका है कि पैसे बद्दी, परमाणु और नालागढ़ में स्थापित कंपनियों के पीएफ मामले निपटाने के लिए तो नहीं लिए गए हैं। सभी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए केंद्रीय एजेंसी जाँच कर रही है। इन जिलों में 5 दिन बारिश बर्फबारी के असर, तापमान का न्यूनतम पारा -11.1 डिग्री तक गिरा। हिमाचल प्रदेश में आज रात से मौसम करवट बदल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने राज्य के 5 जिलों में 5 दिन बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। उधर राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतलहर लगातार बढ़ रही है। ताबो का न्यूनतम तापमान -11.1 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जो कि इस सर्दी के सीजन में सबसे कम है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, कांगड़ा और किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 29 नवम्बर से 3 दिसम्बर तक बारिश व बर्फबारी की संभावना है। अन्य जिलों में आगामी 7 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार है। 4 दिसंबर से सभी जिलों में मौसम साफ रहने की संभावना है। वहीं शुक्रवार सुबह मंडी व बिलासपुर में मध्यम कोहरा दर्ज किया गया है। शिमला में आज मौसम साफ बना हुआ है, लेकिन सुबह शाम ठंड बहुत बढ़ गई है। चैरिटेबल अस्पताल भोटा विवाद, मुख्यमंत्री सुक्खू ने 1 दिसंबर को बुलाई उच्च स्तरीय बैठक, जाने पूरा मामला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राधा स्वामी सत्संग ब्यास ट्रस्ट के भोटा चैरिटेबल अस्पताल के संबंध में चर्चा करने के लिए 1 दिसंबर 2024 को दोपहर 2 बजे अपने आधिकारिक निवास ओक ओवर में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। राधा स्वामी सत्संग ब्यास चैरिटेबल अस्पताल भोटा सालों से लोगों को काफी सस्ता इलाज उपलब्ध करवा रहा है। दवाइयां भी बहुत कम या फिर फ्री लोगों को दी जाती है, लेकिन अब 1 दिसंबर से अस्पताल को बंद करने के नोटिस लगाए जाने से लोग भड़क गए हैं। अस्पताल बंद होने के विरोध में लोग चक्का जाम के साथ धरना प्रदर्शन करने लगे हैं। ध्यान रहे कि चैरिटेबल अस्पताल भोटा का कई सालों से करोड़ों रुपए का जीएसटी लंबित पड़ा है, जिसके कारण अस्पताल की जमीन राधा स्वामी सोसाइटी के पास हस्तांतरित नहीं हो पाई है, जिससे अब अस्पताल में अपग्रेडेशन का काम रुका है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जमीन हस्तांतरण मामले में जल्द लेड सीलिंग एक्ट में संशोधन करने का आश्वासन भी दिया है। अब गोविंद सागर झील में पैरासेलिंग ट्रायल के लिए दिल्ली से हिमाचल आएगी टीम, पर्यटन बढ़ाने पर फोकस। बिलासपुर जिला प्रशासन ने गोविंद सागर झील में पर्यटन अनुभव को और रोमांचक बनाने के लिए पैरासेलिंग गतिविधियों की शुरुआत का निर्णय लिया है। दिल्ली की एक प्रमुख कंपनी को इस परियोजना के तहत ट्रायल संचालन के लिए आमंत्रित किया गया है। अभी ये कंपनी टिहरी उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे रही है। ये कंपनी अगले 2 महीनों तक झील में पैरासेलिंग गतिविधियों का संचालन करेगी। यह खुलासा उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने किया है।
उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने परियोजना के लिए सभी आवश्यक अनुमतियां प्रदान कर दी है। कंपनी दिसंबर के पहले सप्ताह में अपनी पैरासेलिंग बोट्स को बिलासपुर लाएगी, जिसके बाद ट्रायल चरण शुरू होगा। करुणा मूलक आश्रितों के लिए नौकरी की राह होगी आसान, वित्त विभाग के पास पहुंचा प्रस्ताव। जानें हिमाचल प्रदेश के करुणा मूलक आश्रितों के लिए सरकारी नौकरी की राह आसान करने के लिए कई नियमों में छूट देने की तैयारी है। इसके तहत वार्षिक आय सीमा में बढ़ोतरी की जा सकती है। एक बार रिजेक्ट केस पर दोबारा विचार न करने की शर्त को भी वापस लिया जा सकता है। वित्त विभाग के पास ये प्रस्ताव पहुंच गया है, जल्द ही कैबिनेट बैठक में इसका एजेंडा लाया जाएगा। बीते कई वर्षों से सरकारी नौकरी के लिए करुणामूलक आश्रित संघर्ष कर रहे हैं। आश्रितों की मांगों पर विचार करने के लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में गठित कैबिनेट सब कमेटी की ओर से भी सिफारिशें की गई है। वन टाइम सेटलमेंट के तहत हजारों आश्रितों को राहत देने की कमेटी ने योजना बनाई है। हिमाचल हाई कोर्ट ने कहा सरकार के रवैये से बहुमूल्य समय हो रहा बर्बाद, जाने क्या है मामला। हिमाचल हाई कोर्ट ने अदालत के आदेश न मानने पर सरकार सहित प्रधान सचिव आरडी नजीम को व्यक्तिगत तौर पर 1,00,000 रुपए कॉस्ट लगाई है। अदालत ने कहा कि सरकार के रवैये से अदालत का बहुमूल्य समय बर्बाद हो रहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई की। खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि अदालत की वजह से याचिकाकर्ता को न्याय मिलने में देरी न हो। याचिकाकर्ता की मांग गलत नहीं है, वे अपनी सेवाओं का लाभ मांग रहे हैं।